प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के पीएम के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत। कोरोना महामारी के कारण इटली में हुई मौतों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री ने इटली को आवश्यक दवाओं व अन्य सामग्री उपलब्ध कराने में सहयोग का दिया भरोसा। वर्ष 2019-20 में खादी ग्रामोद्योग आयोग ने 31% वृद्धि के साथ सर्वाधिक टर्नओवर किया अर्जित। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हर्ष जताते हुए कहा, आयोग ने कोविड-19 के कारण हुई बंदी के बावजूद हासिल किया ये टर्नओवर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में कोविड-19 के प्रबंधन की समीक्षा। वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत बाहरी देशों में फंसे हुए भारतीयों की हो रही है घर वापसी। देश के विभिन्न राज्यों में अपने वतन लौटे लोगों ने खुशी जताई। देश में कोरोना संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 59,600 के पार। 17,500 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। मृतकों का आंकड़ा 2,000 के पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के महान सपूत महाराणा प्रताप को उनकी जयंती पर दी श्रद्धांजलि। कहा, देश प्रेम, स्वाभिमान और पराक्रम से भरी उनकी गाथा देशवासियों के लिए सदैव बनी रहेगी प्रेरणा स्रोत। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना ने 4 नक्सलियों को मार गिराया। मुठभेड़ में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद। एम्स दिल्ली के निदेशक और इंटरनल मेडिसिन के विशेषज्ञ पहुंचे अहमदाबाद। गुजरात में कोरोना स्थिति का लिया जायजा। दुनिया भर में कोविड-19 से प्रभावित हुए लोगों की संख्या हुई 39,40,000 से अधिक। मृतकों का आंकड़ा हुआ 2,75,000 के पार।